हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक जेड प्लांट की कटिंग से कैसे ग्रो करती हूँ वो बताऊंगी। ये मैं मेरे एक फ्रेंड के घर से कटिंग करके लाई हूँ, आज मैं इसको लगाऊंगी। देखिए बहुत ही इजी है। मैं इसको दो पॉट में लगाऊंगी। एक पर मैंने मिट्टी तैयार करके रखा है, मिट्टी पर मैंने जैविक खाद, गोबर और बालू मिट्टी और गार्डन सॉयल, इस चारों का मिक्सचर तैयार करके रखा है। इसको मैं दो पॉट में लगाऊंगी, इसलिए मैं इस पर मिट्टी ले रही हूँ। ये भी इंडोर, इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और इसको आप आउटडोर भी रख सकते हैं। देखिए बहुत ही इजी केयर प्लांट है, खास करके जो अभी गार्डन की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी प्लांट है। ऐसे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको मिट्टी तैयार करना है और इसके बाद इसकी जो ये जो कटिंग है, इसको कटिंग को आपको लगाना है। इससे आप बॉन्साई भी तैयार कर सकते हैं। देखिए ये पहले मेरे पास थी, लेकिन मैं कुछ दिन के लिए घर में नहीं थी तो ये इस पर पानी भी नहीं डाला तो वो मर गई थी। तो फिर इसलिए सोचा कि आज फिर मैं अपनी फ्रेंड के घर से लेकर आई। देखिए इस मिट्टी को थोड़ा सा ऐसे दबा कर दीजिए। देखिए मेरी एक और तैयार हो गई और फिर इसमें और एक लगाऊंगी। देखिए इतना इजी है ना। देखिए ये तैयार हो गई। अब कुछ नहीं करना है, आप जो भी प्लांट लगाओगे, अगर पहले ही इसकी मिट्टी सही तरीके से आप लगाओगे, इसकी मिट्टी को रेडी करके, तो आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इस साल में एक बार आप इसको इसकी मिट्टी चेंज करिए और कभी कभी इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी देते रहिएगा तो ही होता है। देखिए ये मेरी जो जेड प्लांट है वो तैयार हो गई। देखिए अब इसकी कटिंग से मैं बहुत सारी प्लांट तैयार कर सकूंगी। देखिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।